हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में से एक है, लेकिन क्या आप लोगों को ये बात पता है कि हर दिन तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे रेलगाड़ियों के बारे में और जानेंगे रेलवे से जुड़े कुछ कमाल के फैक्ट्स। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग आए हैं नेशनल रेल म्यूजियम जो कि जानकीपुरी में, और ये रेल म्यूजियम का इनॉग्रेशन 1977 में हुआ था, जिसको 1995 में नेशनल रेल म्यूजियम बन दिया गया। तो आज हम लोग इसे एक्सप्लोर करने वाले हैं कि ये अंदर से देखने में कैसा है। और ये है यहाँ का टिकट काउंटर, जिसका प्राइस आप लोग देख सकते हो, जिसका प्राइस वीकेंड में डबल हो जाता है। जैसे आप लोग म्यूजियम में एंटर करोगे तो आपको एक गाइड मैप दिखेगा जो आपको गाइड करेगा घूमने में, और आगे वॉल पर बनी हुई बहुत सारी पेंटिंग भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि जा सिमरन जा जीले अपनी ज़िंदगी, ऐसे ही रेलवेज और मूवी से कनेक्टेड बहुत सारी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और जैसा कि राजेश खन्ना मेरे फेवरेट एक्टर रह चुके हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि आप व्लॉग स्टार्ट करें, तो अब तो उन्होंने भी बोल दिया कि व्लॉग को शुरू करो। तो चलिए हम लोग व्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे सबसे पहले म्यूज़ियम के अंदर, और फिर यहाँ पे एक टॉय ट्रेन भी चलता है जो पूरे रेल म्यूज़ियम का एक चक्कर काटता है, तो हम लोग उस पर भी जाएंगे। तो पहले हम लोग जाते हैं म्यूज़ियम के अंदर, और सामने आपको उसका गेट दिख ही रहा होगा, तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया कि कैसे एक बोरिंग मशीन की मदद से एक टनल को बनाया जाता है, और उसमें कितनी मेहनत लगती है आप लोग देख ही सकते हो। और अगर आप इस म्यूज़ियम में आते हो तो आप इसके फर्स्ट फ्लोर पर ज़रूर आना, क्योंकि इसके फर्स्ट फ्लोर पे आपको पूरा का पूरा एक सिटी देखने को मिलेगा, जिसके चारों तरफ ही आपको छोटे छोटे रेलवे ट्रैक्स बिछे हुए दिखाई देंगे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे फ्लाईओवर, बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि स्टेडियम भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी कभी यहाँ पर आओ तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। आपने गाड़ी के ऊपर लगे हुए नंबर प्लेट तो देखे होंगे, आज ट्रेन के ऊपर के नंबर प्लेट भी आप देख ही लो, और आपको यहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। और ये वही टॉय ट्रेन है जो यहाँ का पूरा एक चक्कर लगाती है, और ठीक म्यूज़ियम के सामने एक जंक्शन होगा, मयूर जंक्शन, ये वहीं पर से खुलती है, और इसका भी अलग से टिकट लेना पड़ता है टिकट काउंटर से जो कि बाहर था। और ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई का रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर है, और ये छोटा सा लखनऊ रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ऐसे ही कई सारे स्ट्रक्चर और भी हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक साथ बहुत सारे रेलवे ट्रैक यहाँ पे लगाए गए हैं जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है, और ओवरब्रिज भी बना हुआ है रेलवे ट्रैक
बहुत सारी बिछी हुई है, और ये देखो ये ओवर ब्रिज टाइप का भी बना हुआ है, और ये देखो हमारा लोटस टेम्पल भी है इधर। तो हमारे नेशनल म्यूजियम में पहला बहाई टेम्पल है, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है तो ये देख सकते हैं आप लोग। और ये आप लोग देख सकते हो कि दिल्ली का भी डमी रेलवे स्टेशन बना हुआ है यहाँ पर। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है दिल्ली में है तो ये दिल्ली का तो रेलवे स्टेशन होगा। तो यहाँ पर जितने भी एशियन टाइम में रेल यूज़ हुआ करते थे उनके इंजन को संभाल के रखा गया है। तो आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे रेल के इंजन वगैरह रखे हुए हैं। और फिर एक बीकानेर का रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, और एक और टॉय ट्रेन है जो यहीं पे से चलती है जो थोड़ी छोटी है। और देख सकते हो आप लोग कि ये है कन्नूर का डमी रेलवे स्टेशन जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। और आपको एक और बात बतानी थी कि हमने 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है। तो इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं।